डिग्गी का ताला तोड़कर चोर 1,20,000 रुपए लेकर चोर हो गए थे फरार। बांसी कोतवाली पुलिस और एसओजी के साथ सर्विलांस टीम को मिली सफलता। पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 1,10,000 चोरों के पास से किया बरामद। पुलिस ने राप्ती नदी के पास से मुखबिर की सूचना पर चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों चोर गोंडा जनपद के निवासी। गिरफ्तार करने वाली टीम को एसपी ने 20,000 रुपए इनाम देने का की घोषणा। 24 नवंबर को बांसी में एक व्यक्ति राम मौर्य सेंट्रल बैंक से अपना पैसा निकाल के चला था। उसके पास 1,20,000 रुपए थे, तो मेन मार्केट बांसी में ही उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी और डिक्की में इसका ये पैसा रखा हुआ था। जब ये बाजार की तरफ था तो कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसकी डिक्की तोड़ते हुए इसका बैग में जो 1,20,000 रुपये था वो लेके फरार हो गए थे। इसमें थाना बांसी एसओजी और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है, जिनका नाम लक्ष्मण पुत्र राम नरेश, राजेश खन्ना पुत्र राम सागर, ये दोनों ही थाना क्षेत्र धानीपुर जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया है कि ये जो भी बैंक के आसपास घूमते रहते हैं और ये वॉच करते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा निकाला है। जब कोई बड़ी अमाउंट निकालते हैं तो उसके पीछे ये लोग लग जाते हैं, और जब वो व्यक्ति कहीं रुकता है या कहीं लापरवाही पूर्वक दिखता है कि उसका ध्यान अपने बैग या बाइक पे नहीं है तो उसके पास से ये पैसा चुराते हुए भाग जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने पूर्व में भी घटनाएँ करी है। इनके ऊपर पूर्व में भी इसी प्रकार की चोरी, लूट, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। ये पूर्व में अयोध्या, श्रावस्ती, देवरिया, महाराज एरिया में इन्होंने वर्क किया है और आसपास के जनपदों में भी ये इस प्रकार की घटनाओं के लिए प्रयासशील रहते हैं। इनको आज हमारी पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए गिरफ्तार किया है और संपूर्ण टीम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। इसमें कुल 1,10,000 रुपये बरामद किया गया है और इसमें इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक थी वो भी बरामद की गई है, साथ ही 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं।